विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और ऐसे में हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा रूखी बेजान सी हो जाती है, स्किन का कलर डन हो जाता है। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसे आपको डेली नहीं अप्लाई करना है, वीक में मात्र एक बार आपको यूज़ करना है। अगर आप एक बार यूज़ कर लिए तो फ्रेंड्स पूरी वीक आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्लोइंग रहेगा और चेहरे पर निखार भी बरकरार रहेगा। बेंडिंग सीजन भी स्टार्ट हो गया है, ऐसे में अगर आप पार्लर नहीं जा पा रहे हो तो इस रेमेडी को आप यूज़ करके देखिएगा, आपको पार्लर जैसा निखार इस फेस पैक से मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड्स बेसन का। तो बेसन तो आप लोग जानते हैं कि सदियों से यूज हो रहा है हमारे ब्यूटी टिप्स में। बेसन एक क्लींजर का काम करता है, स्किन को डीपली क्लीन करता है और यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है हमने 4 से 5 चम्मच। अगर आप अकेले लगा रहे हो तो 2 चम्मच का यूज़ कीजिए, अगर आप और लोगों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कीजिए। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स बेसन 4 चम्मच 5 चम्मच था लगभग, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हल्दी हमने कितना कम यूज़ किया है। तो आज मैं हल्दी यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स घर की। तो अगर घर वाली हल्दी आप यूज़ करते हो तो आप इस तरह थोड़ा सा ही यूज़ कीजिए, जो कि आपके स्किन के कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होता है चेहरे पर तो उसे ये रोकने का काम करता है, साथ ही उसे रिपेयर भी करता है, स्किन के कील मुहासे को भी आने से रोकता है। हल्दी टर्मरिक जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, और इसमें हमने एक छोटा टमाटो था उसका पल्प हमने यूज़ किया है। तो पल्प यूज़ करना है फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि आपकी स्किन के मैल को, जमी हुई गंदगी को निकालेगा, डीपली आपकी स्किन को क्लियर बनाएगा। और इसमें आपको 1/2 टीस्पून ग्लिसरीन का यूज़ करना है, जैसे कि ये विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में ग्लिसरीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्किन को सॉफ्ट बनाता है, आपकी स्किन में अगर क्रेकनेस है तो उसको रिपेयर भी करता है। और इसे आपको मिल्क में बनाना है, अगर विंटर सीजन में यूज़ कर रहे हैं तो मिल्क में ही बनाइए, क्योंकि सभी स्किन के लिए मिल्क काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मिल्क यूज़ करेंगे तो आपका जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट रहेगा। और जो हमने टमाटो का यूज़ किया है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि टमाटो एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है, विटामिन सी से भरपूर होता है, और ये जो है टमाटो आपकी स्किन के ब्लैक स्पॉट दाग धब्बों को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपके चेहरे पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा ये रेमेडी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप ज़्यादा अपनी स्किन की केयर नहीं करते हो, तो आप एक बार वीक में इसे यूज कर लीजिएगा तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन और क्लियर रहेगी। और आपका पैक जब ड्राई हो जाए तो उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा और उसे रगड़ कर नहीं निकालना है फ्रेंड्स। ड्राई हो जाए तो पानी से आपको अपना पैक गीला कर लेना होगा और हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए पैक को निकालिएगा। इस तरह अगर आप पैक को निकालेंगे तो आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग और सॉफ्ट दिखेगा। तो आप देख सकते हैं जैसा मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा एक ही बार में। अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हो तो बिल्कुल सेम मेरे तरीके से कीजिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको एक ही बार में मिलने वाला है। आपकी स्किन का ड्राइनेस बिल्कुल दूर हो जाएगा, आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर लगेगा, ग्लोइंग लगेगा। और जैसा कि हमने बताया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यानी कि डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, कील मुहासे के दाग धब्बे हैं, तो इस रेमेडी को आप कंटिन्यू 15 दिन तक यूज कीजिए, साफ आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और उसके बाद हमने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है और ऐसे ही अपने चेहरे को नहीं छोड़ना है। आप यहाँ पर टोनर का अप्लाई कर सकते हैं या नहीं तो फ्रेंड्स आप रोज़ वाटर को भी अप्लाई कर सकते हैं। रोज़ वाटर भी एक बहुत ही अच्छा टोनर माना जाता है, और टोनर अप्लाई करने के बाद आप कोई भी सीरम मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करिएगा, बिल्कुल भी इसे स्किप नहीं करना है। इससे जो है आपकी स्किन पोर्स में जाएगा, आपको थोड़ा सा मसाज कर लेना होगा 1 मिनट तक। आप कोई भी टोनर या आप कोई भी सीरम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो आप थोड़ा सा मसाज कर लीजिएगा, आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन क्लियर दिखेगी। आप कहीं पर शादी में जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो,
तो आपकी स्किन अगर क्लियर रहती है, सॉफ्ट रहती है, तो मेकअप भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।